What's up guys, so welcome back to new vlog. So भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बाग में दिखाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, फिर लेंगे उनसे. अभी क्या हुआ था ना यहाँ पे, मतलब बारिश ओले ओले पड़ गए थे, खराबी हो गए सारे फल वल वगैरह, पर हम फिर भी जो सही सही होंगे छाट छाट के लेंगे इनसे. तो बात सेम ही रहती है, यहाँ से लो बाहर से लो, ऐसे चाहे इनसे ले लो, हमारे जानते भी हमें थोड़ा बहुत टेप के बाग के पास. वार्डन हमारे साथ हर जगह आ जाता है, कैसे कूदना है ना. तो फिर हम चल रहे हैं आम के, आम नहीं सेब के बाग में. ये सारे पूरा अंकल का है, पूरा अंकल का है, अंकल से बातचीत कराऊंगा. ये क्या गुआवा? अच्छा ये भी एप्पल है. हाँ एप्पल है, एप्पल है गोल्डन, ये गोल्डन एप्पल है, ये रॉयल एप्पल है रेड वाला. बिल्कुल जूम करके दिखा देख, जैसे कई तो बिल्कुल फ्रेश है अभी भी, ठीक बचे हुए हैं. फ्रेश का है ये ही तो, ये बचे हुए हैं ना, जो कुछ ऐसे ही है ना सारे में दाग डैमेज. इनके प्राइस भी कम हो जाते हैं. हाँ तो प्राइस तो होगा ही ना, नहीं कम है तो अब की बार सारी फसल खराब हो गई. ये देखो अंकल का कितना सुंदर सेब तो बाग लगे थे काफी थे. अरे अंकल कुछ तो ज्यादा रेड है, कुछ ज्यादा लाल है, कुछ हल्के लाल होता रहे. अभी तो इसका पेड़ है ना थोड़ा सा. सेब का पेड़ जब छोटा होता है लगाते हैं तो कितने का आता है? वो देखो जी क्वालिटी की बात है, फिर भी पेड़ तो मैंने लगा रखे पहले तो होती है ये पार्टी कहते हैं इसका पौधा ये है. हाँ, कलम जो होती है ये. ये हमने बहुत इस बार मैंने 35 लगाई. अच्छा 35 बूटे लगाए इसमें, फिर ग्राफ्ट होगा अगले साल. ये जो क्वालिटी है ना, जैसे जो भी क्वालिटी लगाएंगे रेड रॉयल उसकी कलमें मिलेगी. फिर इसको यहाँ से काट के यहाँ कलम लग जाएगी, फिर कोई 2 साल के अंदर ये पौधा बढ़ेगा. फिर इसमें जो भी वैरायटी लगाएंगे वो लगेगी. अखरोट है देखो, तो दिखाया नहीं था आपको पहले भी, तो यहाँ जैसे आपने फोटो फाटो लिया फर्स्ट टाइम फोटो फाटो. देखो जबकि अभी पूरा बना नहीं है, छोटा है, काफी बड़े हो जाते हैं. कितने सुंदर लगते हैं लगे हुए, ऐसा लगता है सारे तोड़ के खा लो. ऐसा है ना नीचे भी इसमें दाग है, सारे खराब हो गए उसके बाद. हाँ जी एक तोड़ो देखे सारे ना इधर से, सब खराब हो गए. यहाँ से बिल्कुल सही है, इधर से हो गया. इधर से कितना सुंदर है और इधर से. ये तो हमारे साथ आया है, चलिए रोड क्या सही है नीचे से और इधर से. देखने पर कितने छोटे हैं, सारे खराब हो गए. कैसा मन दुखी होता होगा ना देख के, क्या करना. हम तो बड़े इसमें है नहीं तो इस टाइम तो हमने उड़ान शुरू करना, तोड़ने तो पड़ेंगे ना, कुछ बेचेंगे इसको. ये भी बताओ छोटे छोटे से. ये भी गोल्डन है, ये इस साइड गोल्डन है, ये रॉयल है. ये जो ये इसमें घुमा रखा है पंछी का, चिड़िया खाती है ना, चोंच मार रखी होगी. हाँ चोंच मारती है. इसको खपरेल बोलते हैं ना अंकल. हाँ पत्थर का. हाँ कितना सुंदर लग रहा है सच में, छोटा सा. देख अंदर आके देख अंदर से कितने सुंदर है. सुंदर है देख. हाँ देख अंदर, इनकी छत देख, बाहर ऐसा लग रहा है ना पत्थर है. हाँ. लेकिन अंदर से सारी फिनिशिंग अच्छी होती है इनकी. वो वाला बता था ना दूसरा वाला. हाँ. क्या नाम था? खपरेल. हाँ खपरेल. मैं इनका बाहर से ऐसा लगता है पत्थर रख रखे है. एक 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 कमरा एक ही है हमारे पास. सर्दी होती है बहुत. ये भी गर्म होते कमरे. हाँ सर्दियों के लिए. उसमें गर्मियों में ठंडे हो जाते हैं. गर्मियों में ठंडे. इतनी गर्मी तो यहाँ कभी होती ही नहीं कि तुम्हें अंदर लेट के पसीना. नहीं नहीं होती है. ये भी आपका प्रॉपर कच्चा घर थोड़ी है वाला. नहीं ऐसे कच्चा इतना तो नहीं है, पर ऐसे अब तो हर जगह पक्के पक्के हो गए. अंकल अभी तो बना लिया वाला पोर्शन पक्का बना लिया. ये गीजर है यहाँ का.
इसमें पानी वानी गर्म होता है, नीचे कोयला वोला जला देते हैं। हीरा दास नाम है, और ये उनकी वाइफ सुमनवती। मम्मी का नाम भी सुमन ही है। 95 इयर्स के हैं। हाय, ऐसे कर दो। ये दादी हैं। 85, सुनता नहीं है दादी। ऐसे कर दो, कोई बात नहीं। अरे दादी। और ये दीदी हैं, ममता नाम है दीदी का। हाय कर दो। ये इनका एप्पल का बाग है। हाँ जी, जो भी दिखाया था सारा एप्पल का बाग था इनका। और ये इनका फुल घर है, यहाँ पे फुल डिश विश लग रखा है, यहाँ पे इनका गीजर है। ये मतलब पहाड़ों के गीजर चलता है, यहाँ पे कोयला वोयला जला के पानी वानी गर्म करते हैं। हाँ, ये पूरा घर है। जो पूरा बाग भी दिखाया था वो इनका ही था, अंकल इन्होंने ही करा सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ी फूल। ये तो वैसे ये नॉर्मल है।